हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हो एंड बहुत अच्छे चल रही है आप सभी की लाइफ। पढ़ाई को और अच्छा करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बो अनायंस के बारे में, रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शन के मैकेनिज्म कैसे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो उसके लिए जरूरी है बेसिक से स्टार्ट करें और ये कोर्स बिल्कुल बेसिक से है। कार्बोकैटायंस फ्री रेडिकल के बारे में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, अभी हम लोग बात करेंगे कार्बो एनायंस के बारे में कि क्या होते हैं कार्बो एनायंस। सिंपल सी बात है, डिफाइन किस तरह से करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात कि अगर आपको इस टॉपिक के नोट चाहिए, वैसे तो मैं बोलूंगा आप खुद से बनाओगे। एक तो हम वीडियो देखते हैं, ठीक है, समझते हैं, फिर खुद लिखते हैं और एक बार पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। और जो बच्चे चाहते हैं कि ठीक है सर समझ गए हैं, हम आपके बने हुए नोट्स बने हुए हैं, वो कॉपी थोड़ी दूर है, अदरवाइज मैं इसे दिखा देता, वो अपलोड हो चुके हैं अन अकेडमी पर, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, देख लेना, सभी चैप्टर्स के हैं। ओके, चलो स्टार्ट करें कार्बो अनायंस के बारे में। क्या होते हैं कार्बो अनायंस, डिफाइन किस तरह से करेंगे। एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इन विच कार्बन कैरी नेगेटिव चार्ज, नाम से ही क्लियर हो रहा है, कार्बो अनायंस, जिसमें कार्बन अनायन की तरह एक्ट करे, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज अगर आ जाएगा तो उसे आप लोग क्या बोलोगे, कार्बो अनायन बोलोगे। अब बात यह सर ये बनेगा कैसे, देखिए फोकस करना, हमारे पास कुछ ऐसे है और यहां पे कोई एक एटम लगा है जेड, कुछ भी हो सकते है, और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, इस बॉन्ड को तोड़ोगे, इस बॉन्ड का फ्यूजन कराओगे, एंड एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड का फ्यूजन किस तरह से होगा, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा, यहां पर हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, बॉन्ड फ्यूजन समझते ना, बॉन्ड को तोड़ेंगे हम। रिएक्शन मैकेनिज्म की जो सबसे पहली क्लास है उसमें मैंने आपको बॉन्ड फ्यूजन ही समझाया है, बॉन्ड को ब्रेक करना ही समझाया है, वो जरूर देख लेना, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इनमें से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ले जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से होगा, कार्बन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये है हाइड्रोजन और ये जो भाई साहब साइड में है इन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बो अनायन बोलते हैं। बात करें इनके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं तीन बॉन्ड, तो आपको सिंपल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और देखो इसका एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें इसका चिन्ह है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अब 8 इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं है इसके पास, ये क्या है एक्चुअल में, इलेक्ट्रॉन रिच है, और जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो किससे प्यार करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट से। जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं ना उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल, क्या बोलते हैं जी, न्यूक्लियोफाइल। क्या होते हैं न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस लवर, न्यूक्लियस लवर मीन्स इन पे खुद पे तो नेगेटिव चार्ज है, तो ये लव किससे कर रहे हैं, पॉजिटिव से, या उससे जो इलेक्ट्रॉन की कमी से जूझ रहा है, इन्हें क्या बोला जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। जबकि हमारे फ्री रेडिकल जो कार्बो कटायन थे वो क्या होते थे, इलेक्ट्रोफाइल्स होते थे, वो इलेक्ट्रॉन लवर होते थे, उनमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती थी। अगली बात करें तो दीज आर डायमैग्नेटिक, क्या होते हैं डायमैग्नेटिक, विच आर रिपल्सिव टुवार्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, रिपल्सिव टुवार्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, ओके। और कब होता है, जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, जब किसी के पास सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हों तो वो डायमैग्नेटिक होता है, एंड इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है वो सारे पेयर्ड है, दैट्स व्हाई ये डायमैग्नेटिक है। अगली बात करें कि इसकी शेप वगैरह कैसी बनेगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी,
वो हमें पता चलता है जेड से, स्टेरिक नंबर से। और स्टेरिक नंबर क्या होता है? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अभी आपको दिखाई दे रहा हूं, ये एक नॉर्मल है आपका कार्बन आयन। इसके बाद देखो तीन बॉन्ड है, ठीक है, तीन तो बॉन्ड पेयर हो गए और एक ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, एक लोन पेयर, तो टोटल फोर। फोर है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी यहां पे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने वाली है। एक चीज, अभी हाइब्रिडाइजेशन और शेप दो अलग अलग कंसेप्ट है भाई, ऊपर करवा रहा हूं मैं। हाइब्रिडाइजेशन और शेप इसको मिक्स मत कर देना, अलग अलग चीज होती है। हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर पर डिपेंड करती है, जबकि शेप सिर्फ बॉन्ड पेयर पर डिपेंड करती है। तो सिंस इसके पास एक लोन पेयर है, तीन बॉन्ड पेयर है, तो इसकी शेप कुछ इस तरह से होगी। अगर आप मिथाइल के कार्बन आयन की शेप देखना चाह रहे हो, कुछ इस तरह से। इस शेप को क्या बोलते हैं? पिरामिडल। क्या बोलते हैं? पिरामिडल, या कह लीजिए ट्राइगोनल पिरामिडल शेप का नाम है। क्लियर? आगे बात बढ़ते हैं, आगे बात को बढ़ाते हैं। तो अभी देखो यार, एक बात याद रखो, दीज आर वेरी रिएक्टिव। हमने बात की थी फ्री रेडिकल्स रिएक्टिव होते हैं, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, ये भी बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये बात याद रखना, दीज आर वेरी रिएक्टिव। इंटरमीडिएट जितने भी होते हैं ना यार, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये ज्यादा देर के लिए बनना पसंद नहीं करते। मैंने आपको बोला है कि जब किसी पे चार्ज आता है ना, तो वो स्पीसीज अनस्टेबल होती है, और हर कोई जल्दी से जल्दी स्टेबल होना चाहता है, तो ये जल्दी से जल्दी रिएक्शन करना चाहते हैं। क्लियर? अभी जो मेन बात है अपनी, वो है स्टेबिलिटी ऑर्डर, कि स्टेबिलिटी ऑर्डर का क्या फंडा है। हम बार बार एक ही तरह का केस डिस्कस कर रहे हैं, फोकस करते हैं इसी केस पे, सी एच एच एच, और ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये सी सी एस थ्री एच एच, ये सी सी एस थ्री सी एस थ्री एच, ये सी सी एस थ्री सी एस थ्री सी एस थ्री। एंड सिंस ये कार्बो अनायन है, मतलब कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो आप एक सिंपल बात पे फोकस करो, ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जब कार्बन फ्री रेडिकल था, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। जब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन रिच है। एंड यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, मिथाइल ग्रुप क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या राइज करते हैं? प्लस आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट राइज करते हैं? प्लस आई इफेक्ट। ये बात कुछ ऐसे है कि एक बंदा रजा हुआ है और उसे धक्के से पार्टी दी जा रही है, धक्के से खाना खिलाया जा रहा है, तो क्या वो मस्त रहेगा? कार्बोकटायन क्या होते हैं? कार्बोकटायन में जिसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन की कमी से जूझ रहा है, वो भूखा है और उसे कोई खाना खिला रहा है, तो उसे अच्छा फील आएगा। अब ये कार्बो अनायन, इस पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे तीन ग्रुप लगे हैं, एक मिथाइल ग्रुप हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, वो इसको इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं। अरे भाई, इसे तो जरूरत ही नहीं है, क्यों दे रहे हो? तो बताइए क्या ये स्टेबल होगा? इसकी बात करें, यहां पे देखो हाइड्रोजन को मैंने बता रखा है न्यूट्रल होता है, इसको हम नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग है, कुछ नहीं है। यहां पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं। यहां पे इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है। यहां पे इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, एक भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, एक भी ऐसा नहीं है जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा हो। ये खुश है, इन सारे केसेस में ये खुश है कि चलो यार ठीक है, मैं रजा पड़ा हूं, कोई पंगे तो नहीं ले रहा, यहां पे खाना खिलाया जा रहे हैं उसको, उसको इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें यहां पे होते हैं, ये फिर ये और फिर ये। रीजन क्या है? प्लस आई इफेक्ट। मिथाइल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे? इसे अनस्टेबल करेंगे। सो ये कार्बोकैटायन का उल्टा है। अगर आपको याद हो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता था? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के ऑर्डर की अगर हम बात करें, टर्शियरी सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और फिर होता था मिथाइल। और अगर हम कार्बो अनायंस की बात करें, कार्बो अनायंस की बात करें, तो उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर रिवर्स। ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल फॉर्म है और ये सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म है। रीजन आपको पता चल गया, कॉज वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, वो से क्या कर रहे हैं?
अनस्टेबल करें। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लीजिए, मैं एक बार देख लेता हूं सब कुछ सही है कि नहीं। ओके, सब कुछ बहुत बढ़िया है, आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, मुझे फिर खिला रही है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट बात करें, हमारे पास कुछ ऐसे है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। ये कार्बन पे नेगेटिव है, ये कार्बन आयन है, बट ये कौन सा कार्बन आयन है? ये है अलाइल कार्बन आयन। कौन से वाला है भाई? अलाइल कार्बन अनायन। ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मतलब कुछ ऐसे है, ये आप इसको ऐसे लिख सकते हो नेगेटिव, एंड ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी मैंने आपको एक बात कही थी यार, ये जो लोन पेयर्स होते हैं ना, ये नहीं, ये कोशिश हमेशा करते हैं कि सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड बनाए, ज्यादा स्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये आने लगेंगे भाई साहब यहाँ पे, फोकस करना, जब ये यहां पर आएंगे दो इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे तो बॉन्ड बनने लगेगा, बॉन्ड बनने लगेगा। इस कारण कितने बॉन्ड हो जाएंगे? एक दो तीन चार बनने लगेगा ना, एक दो तीन चार और एक पांच, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसको आगे शिफ्ट करेगा, इस बॉन्ड को आगे शिफ्ट करेगा, देखिए क्या होगा, कुछ इस तरह से CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये तो बन गया बॉन्ड, इसका बॉन्ड इधर आया तो इधर आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अभी क्या है, चार्ज फैल गया, जिसे बोलते हैं डिस्पर्शल ऑफ चार्ज, चार्ज फैल गया, या ये क्या हो रहा है यहां पे, रेजोनेंस हो रही है। रेजोनेंस किसे कहते हैं? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हैं। ठीक है, यही क्या है, रेजोनेंस है, जो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। अगली बात हम करें, जैसे कि ये केस मैं आपको बार बार समझाता हूं, कुछ इस तरह से फोकस करना है, इस पर अच्छे से फोकस करना। ये हो गई CH2 नेगेटिव। अभी यहां पे क्या होगा, यहां पे सर कुछ ऐसा होगा कि ये नेगेटिव इसको स्टेबल करने को जाएगा, जब इसको स्टेबल करने को जाएगा मतलब सिंगल बॉन्ड को डबल बनाने की कोशिश करेगा, तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड होने लगेंगे? इसके पांच बॉन्ड होने लगेंगे। और अगर आप इस कोर्स को स्टार्टिंग से देख रहे हो, इस पूरी प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से देख रहे हो, तो मैंने आपको बताया है कि पांच बॉन्ड तो पॉसिबल नहीं है, तो इसको आगे शिफ्ट करेगा। अब देखिए यहां पे क्या होने वाला है भाई, फोकस करना, ये बनेगा डबल बॉन्ड CH2, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना, बॉन्ड से क्या बनेंगे? इलेक्ट्रॉन। बस यही खेल है, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन। अभी फिर वही बात कि ये इलेक्ट्रॉन तो स्टेबल नहीं रहने वाले, इलेक्ट्रॉन इसको करेंगे कि हम सिंगल बॉन्ड को डबल बनाते हैं, ज्यादा स्टेबल बनाते हैं। तो देखिए क्या होगा, यहां पे क्या है, यहां पे है डबल बॉन्ड CH2, ये इलेक्ट्रॉन इधर आए तो बॉन्ड बन गया। तो इस कार्बन के चेक करना, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आगे बॉन्ड बनाने लगेंगे तो इस कार्बन के पांच बॉन्ड होने लगेंगे, एक इधर आएगा, दो तीन चार, और एक हाइड्रोजन है ऑलरेडी यहां पे, कार्बन की इस पोजीशन को छोड़ के हर एक पोजीशन पे हाइड्रोजन है, तो पांच बॉन्ड तो नहीं हो सकते ना, तो इसको आगे भेजिएगा। देखिए अभी क्या होगा, यहां पे आएंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इस तरह से, फिर ये इलेक्ट्रॉन से लोन पेयर्स हैं, ये क्या करना चाहते हैं, सिंगल को डबल अच्छे से स्टेबल करेंगे, तो ये इधर जाएगा, इस कार्बन के पांच बॉन्ड होने लगेंगे, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो बॉन्ड बनाएंगे ना यहां पे इस तरह से हर जगह, तो इस कार्बन कितने बॉन्ड होंगे, एक दो तीन चार, और एक हाइड्रोजन है, पांच, पांच पॉसिबल नहीं है, तो इसको आगे भेजेगा। देखिए तो क्या हुआ, कुछ इस तरह से होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन बन गए, फिर वही बात, इलेक्ट्रॉन से नहीं देखे जा रहा है ये सब कुछ, इलेक्ट्रॉन से ये चीज नहीं देखी जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड बनाएंगे, तो जब बॉन्ड बनने लगेगा यहां पे, अगर बॉन्ड बनाए इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाए, इस कार्बन कितने बॉन्ड होंगे, एक दो तीन चार पांच, पांच पॉसिबल नहीं है, तो इसको इधर भेज देगा। देखिए भी क्या हो जाएगा यहां पे, ऐसे CH2, और फिर ये क्या होगा भाई, नेगेटिव हो जाएगा, चार्ज फैल गया, डीलोकलाइज हो गए हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स भी, पाई बॉन्ड भी अपनी पोजीशन चेंज कर चुका है, पहले से स्टेबल हो चुका है, रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है। जब हम डीलोकलाइज करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
रेविनस बोलते हैं, क्लियर। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी फॉर्म है, तो यहां पे आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाना है भाई, जो ट्राइफिनाइल कार्बन आयन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। रीजन क्या है, सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। उसके बाद कार्बोकन आयन है नहीं, उसके बाद कौन, बाइफिनाइल कार्बोकन आयन, बाइफिनाइल कार्बोकन आयन होगा। और उसके बाद बेंजाइल कार्बोकन आयन बोलेंगे, बेंजाइल किसे कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक बेंजीन ग्रुप लगा हो, कुछ इस तरह से, ठीक है। बेंजीन वाला केस वही रेजोनेंस वाला फंडा रहता है, ये स्टेबल हो जाते हैं। और जितने ज्यादा बेंजीन वाले ग्रुप लगे उतने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, और जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतने ज्यादा ये स्टेबल भी हो जाएगा। अच्छा, कुछ ग्रुप्स होते हैं हमारे, अगर आपको मैंने बताया है पहले भी, यहां पे लिख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, कौन कौन से होते हैं, लाइक एनओ टू, सी एन, सी डब्ल्यू एच, सी एच ओ, सी डब्ल्यू आर, सी एल, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं। तो ये क्या करते हैं, स्टेबिलाईज करते हैं किसको, स्टेबिलाईज करते हैं किसको, कार्बो अनायंस को, याद रखना। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कैसे होते हैं, जैसे आपके अल्काइल हो गए, ओ आर हो गया, ओ एच हो गया, तो ये सभी क्या करते हैं, स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं, कार्बो अनायंस की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से, ये बात याद रखनी, क्लियर होती है ये बात। चलिए, अच्छा एक बात मैं बताऊं, अगर आप लोग चेक करो यार कि मल्टीपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, उनमें से ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन कौन सा होगा, मतलब एक सिग्मा बॉन्ड वाला है कार्बो अनायन, एक डबल बॉन्ड वाला है कार्बो अनायन, एक ट्रिपल बॉन्ड वाला है कार्बो अनायन। तो याद रखना सबसे स्टेबल कार्बो अनायन होगा ट्रिपल बॉन्ड वाला। देखो कुछ ऐसे ये कार्बो अनायन है और इसमें ये एसपी हाइब्रिडाइज है, ये क्या है, एसपी हाइब्रिडाइज, ये कार्बन आयन है, एसपी नहीं होगा, एसपी थ्री, ये एसपी टू हाइब्रिडाइज है और ये कार्बन आयन है जो कि एसपी हाइब्रिडाइज है। फोकस कर पा रहे हो, एसपी थ्री, एसपी टू, एसपी। अगर मैं यहां से आपको परसेंटेज एस करेक्टर पूछूं, परसेंटेज एस करेक्टर हमें पता है, हमने पढ़ा है, अभी देखो ना यहाँ पे चार ऑर्बिटल में से एक एस का है, तो एस करेक्टर कितना होगा यहाँ पे भी, 25%, यहाँ पे कितना होगा 33%, यहाँ पे कितना होगा 50%। एस करेक्टर इंक्रीज होने का मतलब क्या है, एस करेक्टर इंक्रीज होने का मतलब है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का इंक्रीज होना और स्टेबिलिटी का इंक्रीज होना। स्टेबिलिटी किसकी, कार्बो अनायंस की, ये बात याद रखना हमेशा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से क्या समझ पा रहे हो आप, मतलब कार्बो एनायन का मतलब क्या है कि कार्बन पे है नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब उस नेगेटिव, उसको वो अनस्टेबल है, कार्बन आयन मीन्स कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज की वजह से वो अनस्टेबल हो चुका है, तो वो एनओ टू है, लाइक वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग उसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। और लाइक अगर आपका, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, देखिए यहां पर बनवा रहा हूं मैं, ये है सी एच टू नेगेटिव बेंजीन, यहां पे लगा है एनओ टू, ये है सी एच टू नेगेटिव, यहां पे लगा है ओएच। अभी देखो सी एच टू दोनों में कॉमन है, सी एच टू नेगेटिव दोनों में कॉमन है, बेंजीन दोनों में कॉमन है, कॉमन क्या नहीं है, एनओ टू एंड ओएच। फोकस करना है इस बात पे, प्लस टू में बहुत हेल्प करेगी ये चीजें आपको। तो अभी देखो यहां पे एनओ टू लगा है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला है, ये इसके नेगेटिव चार्ज को थोड़ा अपनी तरफ खींच सकता है, तो वो इसको क्या करेगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या इफेक्ट आएगा, माइनस आई इफेक्ट आएगा, तो माइनस आई इफेक्ट कार्बो अनायंस को स्टेबल करेगा। यहां पे क्या है, ये ओएच ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है, जिसकी वजह से कौन सा इफेक्ट आता है, प्लस आई इफेक्ट, ये क्या करेगा, अनस्टेबल, प्लस आई इफेक्ट कार्बो अनायंस को अनस्टेबल करता है।
ये क्या करेगा, कार्बन आयन को स्टेबल करेगा। फोकस कर पा रहे हो, नहीं समझ में आ रही है, नहीं आ रही है भैया? कार्बन आयन मतलब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, वो उस नेगेटिव को अपनी तरफ खींच लेगा तो थोड़ा रिलैक्स फील करेगा, इलेक्ट्रॉन के बोझ में दबा हुआ कोई उसके बोझ को खींच रहे हैं NO2 तो स्टेबल होगा ना। ये क्या है, ये पहले ही इलेक्ट्रॉन के बोझ में दबा हुआ है और OH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और बोझ डाल रहा है उस पर, और इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, मर जाएगा वो तो, अनस्टेबल हो जाएगा, बात क्लियर है? तो ये है अपना सिंपल सा कार्बो अनायंस वाला टॉपिक। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया है। एक रिक्वेस्ट कि अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सभी फ्रेंड्स के साथ, स्पेशली उनके साथ जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ताकि उनकी हेल्प हो सके। और हाँ, अगर आपके लिए पॉसिबल है, आप चाहते हो चैनल को डोनेट करना, तो आपको पेटीएम नंबर दे दिया गया है एंड अकाउंट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। अच्छा, सबसे जरूरी है आज का होमवर्क, होमवर्क आप लोग कमेंट सेक्शन चेक करोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।